पहला जो सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरौनित नंद के धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इस पंक्तियों के द्वारा रसखान जी यह बताना चाहते हैं कि अगर मेरा पूर्व जन्म में मेरा पुण्य अगर संचित है तो किसी भी रूप में जन्म लेने पर कभी रसखान कृष्ण की निकटता सानिध्य पाना चाहते हैं। अपनी इसी इच्छा को प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में नया जन्म पाऊं तो ग्वाला बनकर गोकुल गांव में ही जाकर बसूं, यदि पशु रूप में मेरा जन्म पाऊं तो जिस पर मेरा कोई बस नहीं है कृष्ण की वही गैया बन जाऊं जिसे वे नित चराने के लिए ले जाते हैं, यदि पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के कारण धारण किया था, यदि मैं पक्षी बनूं तो जमुना के किनारे कदम की डालियों पर मेरा वास हो जहां कृष्ण नित्र बांसुरी बजाया करते थे। इसमें रसखान जी बताते हैं कि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में वह जन्म लेना चाहते हैं जिसे कृष्ण के साथ समय व्यतीत करने का उसे सुंदर अवसर मिल सके। इसमें रसखान जी ने कृष्ण भक्ति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, सवैया छंद और भाषा ब्रज भाषा का बड़ा सुंदर प्रयोग रसखान जी ने किया है। दूसरा जो सवैया है, या लकुटियर कामरिया पर राग तिहुपुर को छवि डालो, आठौ सिद्धि नौ निधि के सुख नंदक गाय चराई बिचारो, रसखान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौतक धाम करीलक कुंजन ऊपर बारो। इस सवैये के माध्यम से रसखान जी ने बताने का प्रयास किया है कि कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी सभी वस्तुओं पर अपना वे सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। रसखान का कहना है कि ग्वाला बनकर कंबल और लाठी को लेकर गाय चराने वाले कृष्ण पर मैं अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहता हूँ। कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण को उस लाठी और कंबल पर मैं तो तीनों लोकों का राजपाट भी त्याग सकता हूँ, आठों प्रकार की सिद्धियों और नौ प्रकार की निधियों के सुख को मैं नंद की उन गायों को चराने में भुला सकता हूँ जिन्हें मेरे कन्हैया चराते थे। कवि रसखान इन सवैयों के माध्यम से कहते हैं कि मैं अपने नेत्रों से ब्रज के वन बाग तड़ाग और तालाब को निहारता हूँ तो मन में यह इच्छा होती है कि न जाने कितने ही स्वर्ण की महलों को इन कड़वे करील के कुंजों पर वार दूं जिससे निकट कृष्ण लीलाएं करते हुए नजर आते हों। यहाँ रसखान जी बताना चाहते हैं कि भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए और व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि कर्मण्ये वा अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने वाले व्यक्ति की कभी जीवन में हार नहीं होती और वह व्यक्ति एक तपा हुआ सोना बनकर इस संसार में प्रकट होता है। भारत की भूमि कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में जो कोई भी आता है उसे कर्म करना पड़ता है, चाहे वह प्रजादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए चाहे राजनीति विशारद भगवान कृष्ण आए, उन्हें भी कर्म करना पड़ा। आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि इंद्रदेव कुंवर जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि कर्म भूमि में कर्म यहाँ करना पड़ता है, बिना कर्म के जीवन क्या जीवन होता है, हो जाता है अभिषेक राम बस राम कहते, बिना कर्म के राम कहाँ भगवान कहलाते। दूसरे सवैये में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का चित्रण किया गया है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, सवैया छंद है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है।